हाय गाइस, मेरा नाम मनन। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। दोस्तों जिसका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है तो ये वीडियो उनके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आप अपना जो पिन जो है वो जनरेट कैसे कर सकते हैं। मान के चलिए कि आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो नया अकाउंट खुलवाया है और आपको पासबुक मिल चुका है, एटीएम कार्ड मिल चुका है, लेकिन एटीएम का जो पिन है वो आपको अभी तक नहीं मिला है। और दूसरी बात मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपका अकाउंट है और आप अपना एटीएम कार्ड का जो पिन है वो आप भूल चुके हैं, तो इन दोनों के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे EXMoney YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे सब्सक्राइब कर लें। आप सोचेंगे सब्सक्राइब करने से क्या होगा, दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जब भी कोई नई वीडियो हम अपने YouTube चैनल पर अपलोड करेंगे इसकी जानकारी आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और आप हमारे नेक्स्ट वीडियो को देख सकेंगे। अगर आप कंप्यूटर पर देख रहे हैं वीडियो तो यहाँ पे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, यहाँ पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप मोबाइल पर देख रहे हैं वीडियो तो वीडियो के नीचे यहाँ रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है नीचे में, यहाँ पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पिन जनरेट करने के लिए सबसे पहले आपके अकाउंट में जो है आपका जो मोबाइल नंबर वो रजिस्टर होना चाहिए, क्योंकि आपके मोबाइल नंबर अगर रजिस्टर नहीं होगा आपके बैंक अकाउंट में तो आप पिन जनरेट नहीं कर पाएंगे। और सबसे ज़रूरी बात यही है कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो रजिस्टर होना चाहिए बैंक अकाउंट में, ठीक है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूँ कि आपके पास जो है पासबुक होनी चाहिए, एटीएम कार्ड होनी चाहिए, ठीक है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एटीएम पिन जनरेट करने के लिए इसका दो तरीका है, आप ये दो तरीकों को आप यूज कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि आप अपने मोबाइल से जो SMS के द्वारा आप अपने पिन को प्राप्त कर सकते हैं, और दूसरा तरीका यह है कि आपको डायरेक्ट ATM मशीन में जाकर के भी आप अपने पिन को जो वहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला वाला जो तरीका है इसमें आपको अपने मोबाइल से आपको पिन जनरेट करना है, लेकिन फिर भी आपको ATM जाना ही होगा, ठीक है। तो चलिए पहले मैं आपको अब आपके मोबाइल से जो SMS द्वारा जो आपको पिन मिलेगा उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पहले क्या होता था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप अपना अकाउंट खोलेंगे तो आपको ATM पिन और ATM कार्ड और पासबुक जो है वो आपको साथ साथ मिल जाता था, लेकिन आजकल क्या हुआ है कि अभी सिस्टम जो है चेंज हो चुका है और आजकल जो है सब कुछ मिलता है लेकिन ATM पिन नहीं मिलता है, ठीक है। और ATM पिन खुद से आपको अपने से ही जनरेट करना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों आपको इस वीडियो में हम बताते हैं कि आपको कैसे अपना ATM पिन जो है जनरेट करना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पिन जनरेट करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आपको अपने मोबाइल से एक SMS सेंड करना होगा, ठीक है। और आपको उसी मोबाइल से SMS सेंड करना होगा जो मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट में रजिस्टर है, ठीक है। तो उस मोबाइल नंबर से आपको SMS सेंड करना है 567676 पर, ठीक है। इस नंबर पर आपको SMS सेंड करना है। और SMS में आपको टाइप क्या करना है दोस्तों, मैं आपको बता दूंगा। उस SMS में आपको टाइप करना है PIN पिन, ठीक है। पिन आपको टाइप करना है वो आपका जो है कैपिटल लेटर में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको स्पेस देना है, और स्पेस देने के बाद आपके पास जो ATM कार्ड होगा तो ATM कार्ड का जो सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर का जो लास्ट का 4 डिजिट है, तो लास्ट का जो 4 डिजिट है वो आपको फिर यहाँ पे आपको टाइप करना होगा SMS में, ठीक है। उसके बाद फिर से आपको स्पेस देना है, और फिर से स्पेस देने के बाद जो है आपको आपका जो अकाउंट नंबर है तो अकाउंट नंबर का जो लास्ट का जो 4 डिजिट नंबर है और वो लास्ट का 4 डिजिट नंबर आपको यहाँ पर टाइप करना है, ठीक है। उसके बाद आपको 567676 पर आपको सेंड कर देना है। तो जैसे आप इस SMS को आप सेंड करेंगे और कुछ ही देर में आपके मोबाइल में एक जो है SMS आ जाएगा, और उस SMS में जो है आपका ATM का जो पिन है वो आपको दिखेगा, और उस पिन को आपको फिर आपको 24 घंटे के अंदर में आपको चेंज करना है हर हाल में, ठीक है। और उस पिन को आपको चेंज करने के लिए आपको ATM मशीन जाना होगा, और ATM मशीन में आपको पिन चेंज करना है। तो कैसे चेंज करना है तो मैं अभी आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो दोस्तों ये हुआ एक तरीका कि आप अपने मोबाइल से SMS द्वारा अपने ATM पिन को प्राप्त कर सकते हैं, ले सकते हैं, और उसे आपको 24 घंटे में आपको चेंज करना है ATM मशीन में जाकर के, ठीक है। 24 घंटे के अंदर में आपको चेंज करना है। और दूसरा तरीका ये है दोस्तों कि आप डायरेक्टली जो है ATM मशीन में जाकर के आप पिन जनरेट कर सकते हैं। और डायरेक्टली आप ATM मशीन में जाकर के पिन जनरेट कैसे करेंगे तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे डेमो दिखा रहा हूँ। इस डेमो में देख करके आप समझ जाएंगे कि आपको ATM पिन कैसे जनरेट करना है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ATM जाना होगा, तो चलिए चलते हैं ATM।
तो दोस्तों जैसे आप एटीएम मशीन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको करना क्या है कि आपको जो बैंक से जो एटीएम कार्ड आपको मिला है, ठीक है, उस एटीएम कार्ड को आपको जो है एटीएम मशीन में स्वाइप करना है। तो जैसे आप एटीएम मशीन में उस कार्ड को आप स्वाइप करेंगे तो एक इंटरफेस आपको दिखेगा, और वो इंटरफेस आपको किस तरह का दिखेगा तो आप यहाँ पे अभी देख सकते हैं कि वो इंटरफेस आपको किस तरह का दिखेगा। तो दोस्तों जैसे आप अपना कार्ड स्वाइप करेंगे तो कार्ड स्वाइप करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने दिखेगा, और इस तरह का इंटरफेस जब आपको दिखेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सर्विसेज, बैंकिंग, ठीक है, मिनी स्टेटमेंट, बैलेंस इंक्वायरी, ट्रांसफ़र, पिन जनरेट। तो सबसे नीचे में आप दोस्तों देख रहे हैं कि यहाँ पे सबसे नीचे में लिखा है पिन जनरेट। तो मान के चलिए कि आपको अगर बैंक से आपको एटीएम कार्ड मिला है, पासबुक मिला है और आपको पिन नहीं मिला है, तो यहाँ पे पिन पे क्लिक करके आप अपने पिन को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो जनरेट कैसे करेंगे अभी मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। और दूसरी बात ये है कि आप मान के चलिए आपको एटीएम कार्ड मिला हुआ, सब चीज़ आपको मिला हुआ है, पिन भी मिला हुआ, और आप अपना एटीएम पिन भूल चुके हैं, उसके लिए आपको यहाँ सबसे ऊपर में आप देख रहे हैं बैंकिंग, बैंकिंग में आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप बैंकिंग में क्लिक करेंगे तो उसके बाद वहाँ पे आपको जो है पासवर्ड चेंज करने का जो ऑप्शन आएगा, उस पासवर्ड चेंज पे आप जब क्लिक करेंगे तो वहाँ आपको जो है आपका अकाउंट नंबर मांगेगा और मोबाइल नंबर मांगेगा। मोबाइल नंबर जब आप डालेंगे तो आपको जो है अपना पिन जो है रिसेट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप अपना वहाँ पे पिन अपना रिसेट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, मोबाइल से जो आपको SMS द्वारा जो आपको पिन आएगा, ATM का पिन जो आएगा, मोबाइल से आप SMS जो आप सेंड करेंगे, आपको ATM का जो पिन आएगा आपके SMS पर, उसे आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। तो आपको बैंकिंग पे क्लिक करना है, तो जस्ट बैंकिंग पर आप क्लिक करेंगे तो ठीक है, तो वहाँ पे जो ऑप्शन आ जाएगा पिन को चेंज करने का, रीसेट करने का। अगर आप फॉरगेट पिन मान के चलिए आप पिन भूल गए हैं तो भी आप उसे रीसेट कर सकते हैं, वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा पिन को चेंज करने का। तो जैसे आप पिन चेंज करेंगे तो वहाँ पे आपका जो है आपका अकाउंट नंबर पूछेगा, और अकाउंट नंबर आपको डालना है, अकाउंट नंबर के बाद आपका मोबाइल नंबर पूछेगा और आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद आप पिन जो है रीसेट का ऑप्शन आएगा, उसमें आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको अपना पिन जो है रीसेट कर लेना है, चेंज कर लेना है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं जनरेट पिन के बारे में। तो जनरेट पिन आप सबसे नीचे में देख रहे हैं कि जनरेट पिन लिखा हुआ है, इसके जो है बगल में जो है एक बटन होगा, उस बटन को आपको प्रेस करना है। जनरेट पिन के सामने जो बटन होगा उसे आपको प्रेस करना है, और प्रेस करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, आपको इस तरह से दिखेगा ATM मशीन में। और आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर जो है 11 डिजिट का जो है अकाउंट नंबर मांगा जा रहा है, तो आपके पासबुक में जो अकाउंट नंबर होगा उस अकाउंट नंबर को आपको यहां पर इंटर कर देना है। उसके बाद आप यहां पर नीचे में देख रहे हैं कि दो ऑप्शन दिखाया जा रहा है, एक कैंसिल एक कन्फर्म कर, आपको कन्फर्म कर देना है। जैसे आप कन्फर्म कर देंगे दोस्तों तो उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं आपका 10 डिजिट जो है मोबाइल नंबर यहां पर मांगा जा रहा है, तो प्लीज़ इंटर योर 10 डिजिट मोबाइल नंबर, ठीक है। तो आपको अपना जो यहां पर मोबाइल नंबर जो है डाल देना है, तो आपको वो मोबाइल नंबर डालना है यहां पर जो मोबाइल नंबर आपके खाते में जो रजिस्टर है, वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। तो वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालने के बाद आपको यहाँ पे नीचे में आप देख रहे हैं कि एक कैंसिल का ऑप्शन है, दूसरा कंफर्म का ऑप्शन है। तो आपको मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद आपको यहाँ पे कंफर्म कर देना है। तो जैसे आप कंफर्म कर देंगे दोस्तों, और जैसे आप कन्फर्म के बटन पर क्लिक करेंगे दोस्तों, तो आपके मोबाइल पर एक SMS आ जाएगा, और उस SMS में आपका जो पिन जो है वो जनरेट हो जाएगा, और आपका जो ATM का जो पिन होगा वो SMS में आपको दिखेगा, उस पिन से आप अपने ATM मशीन से अपना पैसा जो है निकाल सकते हैं। और बाद में अगर आप चाहें तो उस पिन को आप चेंज भी कर सकते हैं, और अगर चेंज करना ना चाहें तो कोई बात नहीं। और अगर आप मोबाइल से अगर आप करते हैं, जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया कि मोबाइल से आप कैसे जो है अपना ATM पिन मंगा सकते हैं, तो उस तरह से करने के बाद भी आपको ATM मशीन में आपको आना ही होगा। तो ये आप तय कर लेंगे आपको किस तरह से आपका अपना जो है पिन जनरेट करना है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपके किसी काम आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सअप पर अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।